क्या बात है, पाक भारत क्रिकेट की चौके लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, फाइवर्स लग रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप कि क्रिकेट में फोर्स और सिक्सर्स होते हैं, फाइवर नहीं होता? मैं आपको बताती चलूं कि ये फाइवर पंजू इतना अहम है कि इसको समझे बगैर आप पाक भारत क्रिकेट को भी नहीं समझ सकते। और अब आप मुझसे क्या चाह रहे हैं कि मैं आपको ये बताऊं, ये समझाऊं? तो इसके लिए तो आपको मेरे साथ मेरी क्लास में आना होगा। आ जाएं और मैं आपको बताती हूँ कि ये पांच पंजू और पाक भारत क्रिकेट का आपस में नाता क्या है। प्यारे बच्चों, चूंकि क्रिकेट खुद भी सी से स्टार्ट होता है, तो मैंने सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेट हिस्ट्री को एक इक्वेशन में बंद कर दिया है। क्रिकेट इज इक्वल टू 5C, कम्युनलिज्म, क्लोनलिज्म, कमर्शलिज्म, कास्टिज्म और क्लासिज्म। नौ आबादियात, नोट ते नवे नवे उच्ची जात वाले हिंदू मुस्लिम पारसी क्रिकेट क्लब्स। और नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी, बल्कि सुनाऊंगी इन्हीं पांचियों वाली अजब क्रिकेट की गजब कहानी, यानी के दास्ताने हिंदुस्तानी क्रिकेट, कि कैसे हिंदुस्तान की अपर क्लास ने बनाया इस खेल को अपने बदलते हुए इंटरेस्ट की आइडेंटिटी, सेल्फ कॉलोनाइजेशन से कम्युनल मफादात तक, रिलीजियस नेशनलिज्म से टेरिटोरियल नेशनलिज्म, बल्कि जिंगोइज्म तक, और कैसे यहां की अपर क्लास इस्तेमाल करती रही है क्रिकेट के इस खेल को नफरत अंगेजी, इंतहा पसंदी और कास्टिज्म के लिए। किद्दा असी पाकिस्तानी यानी के अपर ते मिडल क्लास वाले हर चौके चक्के दे उते खप्पे मार मार के ऐसी जिंगोइज्म ते ऐसी पॉपुलिज्म नू इंडोर्स करने आ। ये सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। कड़ा कमर्शियल ब्रेक? प्रोड्यूसर साहब, इस कंटेंट ते तो किसी को लेने सानू स्पॉन्सर नहीं करना। मैं क्या बात कर रही थी कि हिंदुस्तान में क्रिकेट की कहानी शुरू हुई कॉलोनियलिज्म से, ब्रिटिश राज से। खाने को रोटी नहीं होगी, पहनने को कपड़ा नहीं होगा, तुम साला गुलाम लोग हमारी झूठी के नीचे ही रहेगा। सुनी होगी आपने भी ये वाली लोडेड लैंग्वेज बॉलीवुड की फॉर्मूला मूवीज में, जिन्होंने कॉलोनियलिज्म का भी बड़ा ही सीधा सीधा फार्मूला लाया होता है। गरीब हिंदुस्तानियों का खून चूसने वाला एक लॉर्ड क्लाइव टाइप बंदा, जिसका फेवरेट पास टाइम होता है भूखे नंगे हिंदुस्तानियों को कोड़े मारना। खैर, ये वाला कॉलोनियलिज्म या तो आपको बॉर्डर की दोनों तरफ की फिल्मों में दिखेगा, या फिर दोवां पासियां दे सिलेबस की हिस्ट्री बुक्स विच, के अंग्रेज कश्तियों में बैठकर हिंदुस्तान पहुंचे और फिर व्यापार का लारा लगाकर मुगलों के मुल्क पर कब्जा कर लिया। लेकिन एक सच्ची मुची की हिस्ट्री भी है सब कॉन्टिनेंट की, जिसे जांचे बगैर ना तो आज के हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझा जा सकता है, ना ही दोनों सोसाइटीज के प्रॉब्लम्स और इश्यूज को ठीक से असेस किया जा सकता है, और ना ही क्रिकेट के लिए इस रीजन का जुनून जांचा जा सकता है। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि ये जो मैं बरतानवी साम्राज्य पर बनाई गई फिल्मों पर जुकते लगा रही हूँ, तो मैं अंग्रेज की साइड ले रही हूँ। ना पायण, मैं यूनियनिस्ट पार्टी दी स्पिरिचुअल वर्कर नहीं हैगी, कसम है। और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि अंग्रेज़ यूसर्पर नहीं था या उसने पूरी दुनिया में कॉलोनी गिरी नहीं मचाई हुई थी। मचाई थी। लेकिन मेरा स्टांस ये कहता है कि इंडिया में बरतानवी नौ आबादियात को थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई करके बताया जाता है। चीज़ें इतनी ब्लैक एंड वाइट होती नहीं है, हो ही नहीं सकती, नहीं है। और अगर आपका दिल करे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने का, तो क्रिकेट देखिए। क्या
वो तो आप रोज ही देखते हैं, कभी लाइफ कभी झलकियां, 92 दे वर्ल्ड कप दिया झलकियां। ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਹਮਾਰਾ ਮੌਜੂ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਲੋਕਲ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਾ ਆਪਸ ਮੇਂ ਕਿਆ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਹਮਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਮੇਂ ਦਾਵਤ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਤਜ਼ੀਆ ਨਿਗਾਰ ਕੋ, ਤੋ ਆਈਏ ਉਨਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਜੀ ਤੋ ਸਰ, आप ज़रा रोशनी डालिए कि ये क्रिकेट कॉलोनाइजेशन और ये कास्टिज्म का आपस में ताल्लुक है क्या? मैं समझाता हूँ आपको। देखें, ये जो कॉलोनाइजेशन है ये लोकल इंडियंस के लिए कोई नई बात नहीं थी, बल्कि आप देख लीजिए सबसे पहले कौन आए थे, आर्या आए थे, ठीक है ना। तो एरियन इन्वेडर्स से अरब हमला आवरों तक, तुर्कों से अफ़गानों तक, यूनानियों से ईरानियों तक, पुर्तगालियों से अंग्रेज़ों तक, अगर मैं चुन्नी बाबू की भाषा में आपको समझाना चाहूँ, चुन्नी बाबू ये जो नई वाली देवदास थी उसमें थे, उनकी भाषा में समझाना चाहूँ तो देव बाबू का सेकुलरिज्म का नाता यहाँ के मकामी बंदे से बड़ा पुराना है, यही कोई 4-5 हज़ार साल पुराना। दूसरी बात ये है कि ये जो आर्याई कॉलोनाइजर्स थे, इन्होंने जो कॉलोनियल मेथड सेट किया ना, ये गवर्नेंस का, आर्ट का, ज़बान का, एस्थेटिक्स का, ये वाले जो मेथड थे ये आने वाले हर हमला आवर टोले के लिए एक स्टैंडर्ड बन गए कि किस तरह से यहाँ के लोकल इंडियंस को रूल करना है। मतलब के सीधा सीधा बता दिया कि इन गुलाम लोगों को कैसे रूल करना है। द रूलिंग ब्रांड ऑफ इंडियन कॉलोनाइजर्स। मैं जल्दी से आपको अगर इसके स्पेक्स गिनवा दूं तो पहली बात तो जो आती है तो वो जो घोड़े पर बैठकर आ रहा है, कश्ती में चप्पू चलाकर आ रहा है, हाथी के ऊपर सवार होकर, हाथी तो आप समझते हैं ना वो सूंड वाला, उसके ऊपर आ रहा है। अब आप पूछेंगे कहाँ से आ रहा है भाई, अभी मैंने नाम गिनवाए हैं आपको, अरब से, अजम से, तुरान से, तुर्की से, अफगानिस्तान से, यूरोप से, मतलब वो जहाँ से भी आ रहा है भाई, वो तो होगा ऊपर वाली जात का, ऊंची जात का बंदा, अपर कास्ट इलीट। और पाक साफ, आर्यपुत्र सूरज की डायनेस्टी वाला, मतलब के सूर्यवंशी अशरफ, और वो जो इस ज़मीन पर पैदा हुआ मतलब यहाँ का लोकल नेटिव, वो होगा निचली जात का, दलित, कमतर, रजील, कमी कमीन और अजलफ। एक मिनट सर, मैं आपकी इजाज़त से ये सवाल करना चाहूँगी कि जब नए वाले इन्वेडर्स आते थे तो वो जो पुराने वाले कॉलोनाइजर्स होते थे ना, वो सर वो वापस टूर जाते थे मगर ले जाते सन ये गाते हुए कि हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुराने हमलावर वापस चले जाते थे, बल्कि अगर तारीख को खंगाला जाए तो हमें पता चलता है कि ये जो आर्यपुत्रों की रूलिंग एलीट थी, यानी सूर्यवंशी, राजपूत और ब्राह्मण कास्ट, ये लोग वक्त गुजरने के साथ साथ एक क्लास बन गए, रूलिंग क्लास। फिर हमने देखा कि सलातीन दिल्ली की सूरत में जब नए हमलावर आए तो ये जो पुराने हमलावर थे, मतलब सूर्यवंशी, राजपूत और ब्राह्मण कास्ट, जिनकी एक अपनी ब्यूरोक्रेसी थी, अपने वेले दे तुसी इन्हां नूं अफसरशाही ग्रुप कह सकदे हो, ये सब बिल्कुल ओके हो गए इन नए हमलावरों के साथ, और कुछ तो कन्वर्ट हो गए, कुछ एडजस्ट हो गए, और कुछ ने ये राज पा लिया कि अपने क्लास इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना यही सक्सेसफुल जिंदगानी की है, कुंजी है, चाबी। अच्छा, यहाँ मैं अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक एग्जांपल पुट करना चाहूँगी, सर सैयद अहमद ख़ान की।
जो किसी एक फ़र्द का नाम नहीं है, बल्कि एक पूरी क्लास के इंटरेस्ट को राइट टाइम पर राइट तरीके से प्रोटेक्ट करने की मूवमेंट भी है। ये बताने की ज़रूरत है कि वो किस क्लास को रिप्रेजेंट करते थे। जी, एलीट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। और ये जो एलीट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया थे, ये मुग़ल ब्यूरोक्रेसी, ये जागीरदार वगैरह, ये थे ओंजवी औरंगज़ेब आलमगीर साहब की रुख्सत के बाद से इनसिक्योर से हो गए थे। और देखा जाए तो मराठों ने तो इनका काम ही मुका दिया था। रही सही कसर अब्दाली और नादिर शाह ने पूरी कर दी इस एलीट रूलिंग मुस्लिम क्लास को हिंदुस्तानी पावर स्ट्रक्चर से इररेलीवेंट करने की। लेकिन भाई, वो एलीट क्लास ही क्या जो ख़ुद को पावर स्ट्रक्चर के साथ दोबारा से रेलीवेंट ना कर ले। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो आपको दास्तान हिंदुस्तानी क्रिकेट सुना रही थी और ये बीच में सर सैद साहब कहाँ से आन धमके। लेकिन यकीन मानिए कि सर सैद अहमद ख़ान का हिंदुस्तानी और अब पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ ताल्लुक उतना ही गहरा है जितना कि मैच फिक्सिंग के साथ पाकिस्तानी लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स का। वो कैसे, बताती हूँ, ज़रा पिच तो बनाने दें, थोड़ी ग्राउंड तो सेट करने दें ना अपनी बात की। देखिए, बात कुछ यूं है कि हिंदुस्तान की पहली नेशनल क्रिकेट टीम जिसने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच भी खेला, 1932 में बनी थी। लेकिन बत्तियाँ जब बनने वाली इस टीम के पीछे कोई 70-75 साल की तारीख हैगी, जिस पर मैं तफसीली बात ज़रूर करूँगी। लेकिन उससे पहले आपको ये बताती चलूँ कि इंडियन क्रिकेट के कास्ट, क्लास और कम्यूनल फीचर्स आपको इस पहली नेशनल क्रिकेट टीम में साफ, वाज़े, बग़ैर किसी स्पेलिंग मिस्टेक के दिखाई देते हैं। जी, पहली हिंदुस्तानी नेशनल क्रिकेट टीम जिसमें थे शामिल राजे, महाराजे, प्रिंस वगैरह, और कम्युनल डिवाइड भी साफ जाहिर थी। यही कोई 5-6 हिंदू, 3-4 मुस्लिम और बाकी पारसी। रूल्स बड़े वाजे थे खिलाड़ियों के, अपर कास्ट हिंदू और पारसीज, स्टाइलिश बैट्समैन और अलीगढ़ के मुस्लिम लड़के फास्ट बॉलर। पहला टेस्ट जो लॉर्ड्स में खेला गया वो इंडिया हार गया था, लेकिन मोहम्मद निसार ने 93 रन्स देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। हमिद निसार ओपन्स द बॉलिंग टू सटक्लिफ, होम्स ऑफ यॉर्कशायर बैटिंग, बोल्ड। और इंग्लैंड के एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 259 रन्स पर। और दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड ने 275 रन्स पर अपनी इनिंग डिक्लेयर कर दी, जब उसके 8 खिलाड़ी आउट हुए थे, जिनमें से 4 जहांगीर खान ने 60 रन्स देकर आउट किए थे। लेकिन अपर कास्ट, जागीरदार, प्रिंस टाइप इन हिंदू, मुस्लिम और पारसी खिलाड़ियों के दरमियान एक और नाम भी चमका हिंदुस्तानी क्रिकेट के आसमान पर, जो ना तो अमीर थे, ना जागीरदार थे, ना प्रिंस थे, और ना ही किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटे। नाम था उनका बालू पलवानकर, जो कि एक लोअर कास्ट दलित थे। दलित जो कि इंडियन सोसाइटी का सबसे कमज़ोर, गरीब, पिसा हुआ, बल्कि पछड़ा हुआ तबका है। बालू पनवाकर जो के एक स्पिनर थे, ये राजाओं, महाराजाओं और जागीरदारों के खेल के मैदानों तक कैसे पहुँचे, ये मिस्ट्री समझने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा तारीख के उस दौर में, जब क्रिकेट लविंग इंडियन सोसाइटी मुग़ल क्लोनियल ईरा से ब्रिटिश क्लोनियल ईरा में दाखिल हो रही थी। '1857 के रिवॉल्ट की नाकामी के बाद हिंदुस्तान में अंग्रेज़ साम्राज्य के हाथ मज़ीद मजबूत हो गए थे, और
हिंदुस्तान की बाकी बड़ी क्लासेस के साथ साथ मुगल ब्यूरोक्रेसी को भी ये बात समझ में आ गई थी कि ब्रिटिश आर हियर टू स्टे। बस फेर की सी हिंदुस्तान की बाकी बड़ी क्लासेस की तरह से इलीट मुस्लिम क्लास ने भी नए कॉलोनाइजर्स के साथ फुल फ्लेज कॉरपोरेशन फार्मूला तरतीब दे लिया, जिसमें स्ट्रेटजी भी शामिल थी और नैरेटिव बिल्डिंग भी। और नैरेटिव ये था कि सर जी सानू ते उंज भी हाकम दी अतात दा हुकम है, हम अशरफ मुसलमान जिनमें मुगल सादात पठान और पिछले वाले कॉलोनाइजर्स के साथ कॉरपोरेशन पॉलिसी बनाने वाले राजपूत शामिल हैं। सर जी हम आपके वफादार लॉयल थोड़े पक्के ठक्के नौकर हैं सर जी, नौकर की तो नखरा की। और ये रिवॉल्ट सर, ये रिवॉल्ट तो किया ही निचली जात के हिंदुओं और मुसलमानों ने था। ये तो था यहाँ की हिंदू मुस्लिम एलीट का नैरेटिव नए कॉलोनाइजर्स के साथ ट्रेडिशनल कॉपरेशन का। और स्ट्रेटजी क्या तजवीज़ की सर सैद वाली क्लासेस ने? सेल्फ कॉलोनाइजेशन, अंग्रेज़ी बोलो, अंग्रेज़ी लिबास पहनो, अंग्रेज़ी खाना खाओ, अंग्रेज़ी मशरूब पियो, और ख़ुद को अंग्रेज़ का सच्चा वफादार साबित करने के लिए अंग्रेज़ी खेल खेलो। और अंग्रेज़ी खेलों में, या यूं कहिए कि नए कॉलोनाइजर्स के खेलों में, भला कौन सा खेल हमारे पुराने वाले कॉलोनाइजर्स को सबसे ज़्यादा पसंद आया? क्रिकेट। ये सूट मेरा देखो, ये सूट मेरा देखो, जैसे खेलने को ये लंदन का। अच्छा, लेट मी क्लैरिफाई एक मरतबा फिर से कि ये जो मैं पुराने वाले कॉलोनाइजर्स की बात करती हूँ ना, इससे मेरी मुराद दो क्लासेस हैं मेनली। एक तो इलीट अपर कास्ट हिंदू, जिन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को तो बड़ा सेंध सेंध कर रखा हुआ था, और अब ब्रिटिश इंडिया में ये लोग टेरिटोरियल नेशनलिज्म का फंडा भी सीख रहे थे। ये फंडा, ये मंत्रा आप भी जानते ही होंगे, मेरा भारत महान, भारत माता की जय, वगैरह वगैरह। और दूसरी क्लास जो थी वो इलीट मुस्लिम क्लास, इनका सेंटर दिल्ली और लखनऊ वगैरह था। लेकिन अनलाइक अपर कास्ट अपर क्लास हिंदूज, ये एलीट मुस्लिम्स थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार थे अपनी आइडेंटिटी को लेकर। कभी रिलीजियस नेशनलिज्म, कभी टेरिटोरियल नेशनलिज्म, कभी अंग्रेज़ी वज़ा बनाने का जज्बा, कभी अंग्रेजी खेल खेलने का, सीखने का जुनून। अंग्रेजी बीट थे। खैर, किस्सा मुख्तसर, मेरे कहने का ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है कि ब्रिटिश इंडिया में दो ही क्लासेस थीं। और भी बहुत से अहम सेगमेंट्स थे इंडियन सोसाइटी के, बहुत से स्टेक होल्डर्स थे। और सबसे अहम बात कि अंग्रेज़ों के गवर्नेंस मॉडल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ने एक नई क्लास को जन्म दे दिया था। जी, नई इंडियन मिडिल क्लास, नौकरी पेशा क्लास। बल्कि यही वो क्लास है जिसने आज तक भारत और पाकिस्तान में अंग्रेज़ी कल्चर और ज़बान को ज़िंदा रखा हुआ है। और तो और, उनके फेवरेट खेल क्रिकेट को अपना जुनून, अपनी आइडेंटिटी, अपनी खुशी, अपना गम बना लिया है। दूजे लफ्ज़ा ही चाखो ते अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है। Tiger Freddy's been sent out on a mission here. Like, this is like the movies where someone just creates a character to change the script. हम इंडियन और पाकिस्तानी मिडिल क्लास के अंग्रेजी और अंग्रेजी खेलों से इश्क को डिस्कस करेंगे, जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट कब और कैसे शुरू हुई। तो अब तक हम ये तो जान चुके हैं कि हिंदुस्तान में क्रिकेट शुरू की यहाँ की रूलिंग एलीट ने, नवाबों ने, रियासतों के वालियों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने।
और ये बड़े बड़े नवाबों का जो क्रिकेट का शौक़ था, इसकी दो तीन वजूहात थी जिसका वो खुल्लम खुल्ला इजहार भी करते थे। पहली वजह तो थी ख़ुद को अंग्रेज़ जैसा, बल्कि बास सूरतों में ख़ुद को अंग्रेज़ ही साबित करना, समझना, मतलब सिद्धी सिद्धी सेल्फ कॉलोनाइजेशन। स्पीक इन इंग्लिश। सॉरी सर। सॉरी का बेबी। दूसरी वजह थी अंग्रेज़ पर अपनी वफादारी साबित करना, उसको ये बताना कि देखें जी, हम तो आपकी ज़बान से, आपके कल्चर से, आपके लिबास से और आपके खेल से, हत्ता कि आपके कुत्तों से इतना प्यार करते हैं जितना कोई भी वफादार मशूक कर सकता है। और तीसरी वजह ये थी कि अंग्रेज़ों को उन्हीं के खेल में हरा कर अपने लोगों पर, अपनी क्लास पर, अपनी रेस पर और ख़ुद पर ये प्रूव करना कि पुराने कॉलोनाइजर्स भी नए कॉलोनाइजर्स से कम नहीं हैं। आहो जिद्दा हुन मैच जीत के कहते ना कि बाबर आजम ने बर आज़म ऑस्ट्रेलिया फतह कर लिया, या फिर फ़खर जमान ने इंग्लैंड पर कब्ज़ा कर लिया वगैरह वगैरह, लेकिन ये तो मैं बात कर रही हूँ अब की। तब ये तीसरे वाला रीज़न इन्होंने अपने दिलों में हाइड करके रखा हुआ था, और मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न्स वही थे जिनका लुब्बे लुबाब सिर्फ एक लफ्ज़ में बयान हो सकता है, सेल्फ कॉलोनाइजेशन। तो भला क्रिकेट वाली सेल्फ कॉलोनाइजेशन इंडिया में सबसे पहले किसने शुरू की? अपर कास्ट हिंदुओं ने, जागीरदार एलीट मुस्लिम क्लास ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिलचस्प बात यह है कि इन एलीट कॉलोनाइजर्स के इस एलीट खेल को यहाँ के हिंदू और मुस्लिम अशराफिया ने अडॉप्ट नहीं किया था सबसे पहले, बल्कि जिस कम्युनिटी को क्रिकेट का बिछुआ सबसे पहले लड़ा ना, वो पारसी थे। पारसी जो जरतश्त के मानने वाले हैं, एक्चुअली ऑलमोस्ट 1300 साल पहले हिजरत करके ईरान से इंडिया आए, और बकौल पारसी मुर्रखीन, जब अरबों ने ईरान पर कब्ज़ा कर लिया तो कन्वर्ट ना होने वाले कुछ लोगों ने इंडिया की जानिब सेल किया, जान शनाख्त और अपना कल्चर बचाने के लिए। इन पारसियों की एक बड़ी तादाद गुजरात में आबाद हुई, और जब अंग्रेज़ कॉलोनाइज़र्स आए इंडिया में तो इनकी तो मानो निकल पड़ी, मतलब कि एक इन्वेडर से जो शनाख्त बचाई, दूसरे इन्वेडर की मोहब्बत में वो गंवाई, अजीब गल है। पारसी इंडिया की उन नई एलीट क्लासेस में से एक थे जो नई नौ आबादियात के नतीजे में बनी। इन्होंने ख़ास तौर पर बिज़नेस में और ज़िंदगी के दूसरे शोबों में भी बहुत तरक्की की, बहुत पैसा कमाया, बॉम्बे और कराची को अपना सेंटर बनाया। ये लोग फरफर अंग्रेज़ी बोलते थे, यानी कि क्लूनियर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अखीर पढ़े लिखे थे, कपड़े भी अंग्रेज़ी पहनते थे और ख़ुद को लोकल अंग्रेज़ समझते थे, काठा अंग्रेज़। अच्छा, उस वक्त के बॉम्बे में पारसियों का असर और रसूख इस हद तक बढ़ गया था कि तादाद में कम होने के बावजूद, तब के मुंबई का आर्ट ले लें आप, कल्चर, जर्नलिज्म, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह, सब कुछ पारसियों के होल्ड में था। 1900 के नेड़े तेड़े पारसियों की कुल आबादी तकरीबन 10-12 लाख बनती है, जो कि आज के इंडिया में सुकड़ कर बावजूद 60-70 हज़ार रह गई है, लेकिन इसके बावजूद पारसियों को मॉडर्न इंडिया का कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, जो कि वो थे भी। सूरत शहर के पारसी ताजिर, ये ब्रिटिश राज की कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी को बूझ गए। कॉलोनियलिज्म जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र कर रहा होता है इमर्जिंग क्लासेस को, ये उसको भी समझ गए, इतना कि इन्होंने इस अपॉर्चुनिटीज़ का खूब फ़ायदा उठाया। और जब इनके पास अंत अखीर कैपिटल आ गया तो फिर मसला शुरू हुआ नई आइडेंटिटी का, एक ऐसी आइडेंटिटी जो इनको रूलिंग एलीट में शुमार करवा दे। और इस आइडेंटिटी क्राइसिस का इलाज जो इन लोगों ने तलाश किया वो था एकदम गोरे के माफिक बनना। और जो बेहतरीन तरीका इनको मिला ना एकदम गोरे के माफिक दिखने का, अपार्ट फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश, वो था क्रिकेट। विक्टोरियन गेम एथिक्स वो बेहतरीन मीडियम था जिससे पारसी इलीट ना सिर्फ अपनी ब्रिटिशनेस असर्ट कर सकती थी, बल्कि अपनी महजब सी, सिविलाइज्ड सी मस्कुलिनिटी को भी एक्सप्रेस कर सकती थी
बिल्कुल कॉलोनियल रूलर्स की तरह। और सबसे अहम बात कि अगर गोरा साहब इन्हें अपने साथ खेलने की इजाज़त दे दे तो हुक्मरानों के साथ फ्री भी हो सकते हैं, कनेक्शंस भी बना सकते हैं और फेलो इंडियंस ते रोब वखरा वेखियां अपनियां टोरां सरकारां तिकर अप्रोच अपनी। बस यही वो बातें थीं जिनकी वजह से पारसी कम्युनिटी क्रिकेट के खेल से ऑब्सेस्ड हो गई और ये जुनून इस कदर बढ़ गया कि पारसी हिंदुस्तान की पहली क्रिकेट टीम बने जिसने 1878 में इंग्लैंड का दौरा कर डाला। इस टूर की डिटेल्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन पहले ये बताती चलूं कि पारसियों ने क्रिकेट खेलना कैसे शुरू किया। बात कुछ यूं है कि पारसी ख़ुद को ब्रिटिश इंडियन समझते थे और उनका ख्याल था कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ राज के बग़ैर अधूरा है। उनके एक महान फ़लसफ़ी का कॉल सुनाती हूँ आपको इस मामले की एक्सट्रीम शो करने के लिए, ये सुनिए ज़रा। कहाँ एक छोटा सा मुल्क इंग्लैंड और कहाँ हिंदुस्तान, लेकिन फिर भी अंग्रेज हिंदुस्तान पर रूल करने पहुंच गए। अगर इस इत्तफाक को, बल्कि हुस्न इत्तफाक को कोई खुदा की मर्जी नहीं समझता तो उससे बड़ा बेवकूफ तो कोई हो ही नहीं सकता। इन स्टैंडर्ड्स को सामने रखा जाए तो पारसी बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं थे, सियाने थे, उतने ही सियाने जितने के अपर कास्ट हिंदू और यूपी के जागीरदार मुसलमान। मैं मजाक नहीं कर रही, सच्ची। बल्कि पारसी तो अपने डेली रूटीन में ये दुआ भी मांगते थे कि गॉड ब्लेस द क्वीन, यानी कि क्वीन का कसीदा और मरसिया लिखने वाले उर्दू शायरों का नेक्स्ट लेवल था ये। पारसी अपने आकाओं का खेल क्रिकेट अपनाने में इतने पागल हो चुके थे कि उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया था कि गोरे भाई जान थानू गलत फहमी हुई है, क्रिकेट तो इंग्लैंड से याद ही नहीं हुई, क्रिकेट खेड है पारसियाँ का। और ये कदीम ईरान में ईजाद हुई जो कि उनका आबाई वतन है। और तो और क्रिकेट का तस्करा शाहनामा फिरदौसी में है। मैं कहनी हाँ शुक्र है पारसी भरावान ने यह नहीं कह दिता कि शाहनामा फरदौसी भी पहले अंग्रेजी च लिखा गया सी, उते फरदौसी हुणां ने बाद चों फिर फारसी च तर्जुमा किया। खैर गल्लां बातां एक पासे, पारसियों ने क्रिकेट खेलना शुरू की लगभग 1840 में जब एक स्कूल मास्टर ने बच्चों को क्रिकेट की लत लगा दी और बॉम्बे में पहला पारसी क्रिकेट क्लब बना 1848 में। उसके बाद तो खैर ये सिलसिला चल ही निकला, पारसियों ने बहुत सारे क्रिकेट क्लब्स बनाए और नाम भी चुन चुन कर रखे। मज़े की बात ये है कि कुछ क्रिकेट क्लब्स के नाम तो ब्रिटिश रॉयल मेंबर्स के नामों पर थे। वारी कॉलोनाइजेशन। पर फिर भी फैसलाबाद मकरस तो ना चंगे ही होंगे ना क्लबों के, की कहते हो? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पारसी या तो गोरा रूलर्स के साथ क्रिकेट खेलते थे ऑब्वियसली अगर गोरों का मूड होता तो, या फिर आपस में ही क्रिकेट खेलते रहते थे। अनसिविलाइज्ड और बारबेरियन सेवेजेस हिंदुओं और मुसलमानों के साथ तो बिल्कुल नहीं, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ तो बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेलते थे क्योंकि उन्होंने नाल तो उन्होंने ऊंच भी लगती सी। बॉम्बे में होने वाले पारसी मुस्लिम फसादात का सिलसिला तकरीबन 1850 से शुरू हुआ जो अगली 2-3 दिहाइयों तक वक्फे वक्फे से चला, और 1874 में तो उनका एक स्टार क्रिकेटर जामसू नवी ऐसे ही एक राइट में मारा भी गया। मैं थानू दस रही सा कि पारसियों ने आपस में इतनी क्रिकेट खेली कि वो इस खेल के माहिर बन गए, और जब उनके क्रिकेट क्लब्स का आपस में मुकाबला होता तो काफ़ी क्राउड भी जमा होता था स्टेडियम में, फुल माहौल बन जाता था। ख़ास तौर पर जब ज़ोरदस्तियन क्रिकेट क्लब और मार्स क्रिकेट क्लब का मैच पड़ता था ना तो तमाशाइयों को बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती थी, और देखते ही देखते पारसी इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने लग पड़े कि इंडिया में ब्रिटिश रूलर्स के क्रिकेट क्लब्स भी उनके साथ खेलना शुरू हो गए। और 1877 में एक पारसी क्रिकेट क्लब ने तो
ब्रिटिश रॉयल नेवी के क्रिकेट क्लब को हरा दिया। एक दफ़ा नहीं, दो महीने के टाइम में दो दो बारी। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों को ये हार हजम हो गई थी आराम से। शुक्र करें तब टीवी सेट्स नहीं थे, नहीं तो टीवी टूटने से टीवी। हाँ, अखबार होते थे और एक अखबार डेली न्यूज़ ने तो खबर लगाई भी ब्रिटिश रॉयल नेवी की हार की, इस क्या सुर्खी के साथ, द ऑनर ऑफ आर ब्रिटिश सीमैन इज टर्निश्ड बाय अ डिजास्टर। मतलब कि ब्रिटिश सीमैना दी इज्जत डूब गई समंदरा हेठ। अगर आप पारसियों की क्रिकेट को स्टडी करें ना, तो एक नाम बार बार पढ़ने को मिलता है, उर्दशीर पाटिल। ये वो बंदा था जिसने सबसे पहले आइडिया दिया कि पारसी क्रिकेट क्लब को इंग्लैंड का दौरा करना चाहिए वहाँ की काउंटीज के साथ खेलने के लिए। लेकिन खुद को इस काबिल साबित करने के लिए पारसियों को जीतना था उस वक्त के सबसे बड़े और ताकतवर ब्रिटिश क्लब लोकल बॉम्बे जिमखाना से। पर ब्रिटिश ते नेटिव पारसियां दे नाल खेलना अपनी इंसल्ट समझदे सन। खैर, उर्दशीर पाटिल ने तरले मिनते डाल कर मना ही लिया उनको अपने साथ खेलने के लिए। और फिर 7 अगस्त 1877 को एक बड़े क्राउड के सामने ये तारीखी मैच खेला गया। गुरु ने बनाए 167 रन्स, लेकिन पारसीज फॉल शॉर्ट ऑफ द टोटल बाय 62 रन्स। मैच तो हार गए पारसीज, लेकिन उनकी बॉलिंग और फील्डिंग की बहुत तारीफ हुई। और यूं मुस्तकबिल में नेटिव्स और कॉलोनाइजर्स के दरमियान क्रिकेट का एक बाब खुल गया और इसके साथ ही रेसिज्म का डोर भी खुल जा सिमसिम हो गया। किसी अंग्रेज राइटर ने पारसियों को मिमिक मैन का खिताब दिया और किसी ने इमिटेटिव एनिमल का, लेकिन बंदरों वाले ताने सुनकर भी पारसियों का शौक उतरा नहीं अंग्रेज दिखने का, बल्कि वो तो खुशी बहुत थे कि 1878 में उनकी क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के दौरे की इजाज़त मिल गई। लेकिन पारसियों की आमद को ब्रिटिश प्रेस ने जैसे हाईलाइट किया ना, वो डूब मर जाने का मकाम है रेसिस्ट कॉलोनाइजर्स के लिए भी और मॉक टर्टल्स के लिए भी। मतलब कि कार्टून छपे अखबारों में कि अंग्रेज बैटिंग कर रहा है और विकेट कीपर ने पटारी में से सांप निकाल लिया है। ओरिएंटलिस्टां दा बुगज, उनकी जहालत और रेसिज्म अरूज पर। खैर, कुछ बातें सच्ची भी थी वहाँ के मीडिया की कि ये क्रिकेटर से ज़्यादा बॉम्बे के रईस ज़ादे हैं जो तफरी करने के लिए इंग्लैंड आए हुए हैं। और फिर क्लाउन क्रिकेटर्स का लकब हासिल करने वालों का टूर शुरू हुआ। इस हिसाब से देखा जाए तो इस सीरीज़ का नाम क्लाउन्स वर्सेस कॉलोनाइजर्स होना चाहिए था, लेकिन इतनी मार पड़ी ना कि नानी याद आ गई रही सादों को। खैर, ये तो कहानी है पारसी क्रिकेट की, शायद नाकाम कहानी, लेकिन इसका एक अच्छा नतीजा ये निकला कि ब्रिटिश राज को भी अंदाज़ा हो गया लोकल्स की क्रिकेट पगलाहट का। शायद इसी पगलाहट से इम्प्रेस होकर गोरा लोग भाग भाग कर हिंदुस्तान आना शुरू हो गए अपनी अपनी क्रिकेट टीम्स लेकर। यानी कि राज भी इंजॉय किया और क्रिकेट भी खेली रज के। अच्छा, मैं आपको बताती चलूं कि 1892 में इंग्लैंड से पहली क्रिकेट टीम जो आई उसके कैप्टन थे लॉर्ड हॉक। अब लॉर्ड हॉक एंड कंपनी को कैसा लगा यहाँ का माहौल, ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए। पूछते हैं। जी लॉर्ड हॉक साहब, सुना है 1892 में इंग्लैंड की टीम आपकी कप्तानी में इंडिया के दौरे पर आई थी, जरा उस टूर की मेमोरीज तो शेयर कीजिए हमारे साथ। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 1892 में मेरी कैप्टनसी में इंग्लैंड की टीम ने टूर किया था इंडिया का। एंड यस, देयर आर लॉट्स ऑफ मेमोरीज, ग्रेट मेमोरीज। वो हिंदुस्तान के बड़े बड़े ह्यूज ग्राउंड्स,
ढोल ताशों और बाजों के शोर में हम लोग क्रिकेट खेला करते थे. लेट मी टेल यू वन थिंग कि क्रिकेट सिर्फ हम आपस में यूरोपियंस कोरा लोग खेला करते थे, ये नैनी मिनियंस के साथ नहीं, क्योंकि उस वक्त उनको क्रिकेट खेलना आता भी नहीं था. And let me tell you, it was an event, a great, a huge event. जब मद्रास, बैंकॉल और बम्बई वगैरह के ग्राउंड्स पे गवर्नर्स आते, रूलिंग गवर्नर्स आते और उनकी फैमिलीज आती, हम खूब मजा करते. यू नो, हम गोरा लोग अपनी कॉलोनी में सैर करते. आई मीन यू कैन इमेजिन दैट जब हम लोगों का टूर खत्म हुआ तो आई वाज एंजॉयिंग माइसेल्फ टू मच दैट आई डिसाइडेड नॉट टू गो बैक टू इंग्लैंड. एक्चुअली मैं तो नेपाल चला गया शेर का शिकार खाने. क्या कह रहे हैं आप, शेर का शिकार? नहीं, मतलब वाकई टाइगर का शिकार करने चले गए आप? Exactly, actually मैंने 13 टाइगर्स का शिकार किया था. जान दो सर, कोई सबूत है थोड़े को? My lovely lovey नहीं छोड़ा. Let me tell you one thing, आज भी मेरे Yorkshire वाले घर में टंगी हुई है उन टाइगर्स की खाले. खैर, ये कप्तान और इनके टाइगर्स को छोड़ें, मैं गल कर रही सा पारसी क्रिकेट दी. जी, पारसी क्रिकेट, जो कि 1892 तक बॉम्बे और गुजरात, बल्कि कराची सिंध तक की एक ताकतवर क्रिकेट फोर्स बनकर उभरी और उन्होंने यहाँ के लोकल ब्रिटिश क्रिकेट क्लब्स को हराना शुरू कर दिया ऑन रेगुलर बेसिस. उस दौर को पारसी क्रिकेट का गोल्डन ईरा कहा जाता है. लेकिन ये बात यहाँ के एलीट हिंदुओं और जागीरदार क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों के लिए काफ़ी तकलीफ दे थी कि क्रिकेट के बहाने ही सही उनके मालिकों से अगर कोई फ्री हो रहा था तो सिर्फ पारसी नहीं, मतलब कि हम कोई गुलाम नहीं है. मालिकों गुलामों को छोड़ें, पारसी क्रिकेट के बाद इंडिया में हिंदू और मुस्लिम क्रिकेट के हवाले से एक रिपोर्ट दिखाती हूँ. बम्बई में पहला हिंदू क्रिकेट क्लब 1866 में बना. पहले पहल तो सिर्फ एक ही कास्ट के हिंदू अपना क्लब बनाते थे, लेकिन पारसियों और यूरोपियंस से मुकाबला करने के लिए एक मजबूत टीम की ज़रूरत थी, इसलिए तमाम जातियों को मिलाकर हिंदू क्रिकेट क्लब बनाया गया. जब हिंदू जिमखाना बन गया तो मुसलमान क्यों पीछे रहते? 1892 में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर लॉर्ड हैरिस ने मुसलमानों की जमा करवाई एक दरख्वास्त को मंजूर कर लिया, जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई थी कि हम इस्लाम जिमखाना के नाम से क्रिकेट क्लब बना रहे हैं और आप हमें पारसी जिमखाना के साथ वाली ज़मीन दें ग्राउंड बनाने के लिए. यूं इंडिया में कम्युनल क्रिकेट का आगाज़ हो गया. यूरोपियंस, पारसी, हिंदू और मुसलमान. हाँ, गरीबों के लिए एक अपॉर्चुनिटी ये थी कि 1890 के नेड़े तेड़े ये जो रॉयल स्टेट थी ना, पटियाला शटियाला वगैरह, इन्होंने इस रॉयल खेल को पैटर्नेज देना शुरू कर दी. वजह इसकी ये थी कि उस ज़माने के हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी तालीम, तहजीब, आदाब और करेक्टर स्किल्स, ख़ास तौर पर लीडरशिप स्किल्स सीखने सिखाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुलना शुरू हो गए थे. मसलन मेयो कॉलेज अजमेर, दिल्ली कॉलेज इंदौर और एटीसन कॉलेज लाहौर शोर वगैरह. तो इन कॉलेजेस में लीडरशिप सिखाने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट वे सोचता था इन लोगों को, वो तो था ही क्रिकेट. ऐसे में अगर कोई लड़का इन कॉलेजेस की क्रिकेट टीम का कैप्टन बन जाता था तो उसकी लीडरशिप स्किल्स को कितना शार्प कर देते थे ये उस्ताद लोग, उसका तो अमली मुजाहिरा आप लोगों ने देख ही लिया है कुछ अरसा पहले. लिहाजा मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करती और आगे बढ़ती हूँ. इमरान खान, द स्किपर, हैज डिसाइडेड दैट ही इज द वन टू कम आउट एंड सॉर्ट ऑल दिस आउट. प्रिंसली स्टेट्स की पैटर्नेज क्रिकेट की बड़ी वजह अंग्रेज रूलर्स के साथ बना के रखना था और बाकी लोकल्स, नेटिव्स, गरीब हिंदुस्तानियों पर ये प्रूव करना कि प्रिंस होने का मतलब तकरीबन अंग्रेज़ होना ही होता है. अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये प्रिंस शहजादे लोग सिर्फ क्रिकेटर्स पालते थे. नहीं,
इनमें से कुछ तो अच्छी खासी क्रिकेट खेल भी लेते थे। मैं लगता है मिसाल समझाने लिए थानू एक और रिपोर्ट विखानी पड़ेगी। राजेंद्र सिंह जो 18 साल की बाली उम्र में पटियाला के महाराजा बन गए, क्रिकेट का शौक हुआ तो उन्होंने पटियाला रियासत को क्रिकेट होम बना दिया। न सिर्फ इंडिया भर से बल्कि ग्रेट ब्रिटेन से प्लेयर्स को लाकर अपनी टीम को रिप्रेजेंट करवाया। सो इंडिया के उस जमाने के विराट कोहली, मतलब के श्री कुमार रंजीत सिंह जी अल मशहूर रांझी साहब, वो भी इनकी पटियाला 11 का हिस्सा बने। ये बात है 1894 से 1898 तक की। रांझी साहब ले पालक थे लेकिन राजा ही थे, काठीवार की एक प्रिंसली स्टेट नुआंगर के। उनके ये कायम मकाम राजा का स्टेटस उस वक्त ऑफ हो गया जब उनकी सौतेली वालदा, जो मुसलमान थी, ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। बस फिर रांझी दा चांद डूब गया, इससे वो थोड़ा नेगेटिव भी हो गए बेचारे, और वो अपनी खोई हुई रियासत की शहजादगी हासिल करने के लिए काफ़ी हाथ पाँव भी मारते। लेकिन चूंकि खुद को शहजादा ही समझते थे तो इतना माल उड़ाते थे पार्टी शाल्टी करने में के कंगले हो जाते थे। फिर या तो कर्ज या फिर पटियाला जायदाद में से अपना हिस्सा हासिल करने की तगोदो करते। मतलब कि रांझी साहब इंडियन क्रिकेट के मिर्जा गालिब ही थे। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। कैच इट। अच्छा, बाकी बातें एक तरफ हैं, लेकिन बैट्समैन बहुत अच्छे थे रांझी साहब, और इंग्लैंड क्रिकेट टीम की जानिब से ना सिर्फ खेले बल्कि अच्छा परफॉर्म भी किया। अरे ये इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम इन्हीं के नाम पर तो रांझी ट्रॉफी रखा गया था। तो मैं बता रही थी कि मुझे रांझी साहब कैसे याद आए कि खुद तो ये इंग्लैंड की नेशनल टीम की जानिब से खेलते थे, लेकिन जब भी बात होती कि इंडिया की एक कंबाइंड टीम बनाकर इंग्लैंड भेजी जाए, इन्होंने पतंगे लग जाते सी। एक दफ़ा तो प्रिंस साहब ने ये भी फरमा दिया कि इंडिया को क्रिकेट की ABC नहीं आती, बल्कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड का दौरा करती है तो वहाँ पर कोई भी वीक काउंटी इनके खिलाफ 500 रन्स बनाकर पूरी टीम को 40 से 45 रन्स में आउट कर देगी। खैर, प्रिंस रांझी वीरे की ये बात अपनी जगह, लेकिन उस वक्त के हिंदू मुस्लिम और पारसी एलीट्स ने ये ठान लिया था कि इंडिया की एक कंबाइंड क्रिकेट टीम बनाकर उसको दौरा इंग्लैंड पर रवाना किया जाएगा। पर कोई एक मुसीबत सी। And it's a no ball. उसी दौर में स्वदेशी मूवमेंट अपने उरूज पर थी, और ये मैं 1900 से 1910 के दौरानिए की बात कर रही हूँ। इस दौरान स्वदेशी मूवमेंट वालों ने अंग्रेज़ों को कत्ल भी किया वहाँ लंदन में। तो ऐसी टेंशन में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड का दौरा भला कैसे कर सकती थी, और ख़ास तौर पर ऐसे हालात में जब हिंदुस्तानी क्रिकेट ताज़ा ताज़ा बनते हिंदुस्तानी नेशनलिज्म के मुख्तलिफ नैरेटिव्स को अडॉप्ट कर रही थी। सच्ची में मजाक नहीं कर रही, आप इस बात का अंदाज़ा इस एग्ज़ाम्पल से लगाइए कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट वाले थे ना, जो अपने आप में ख़ास नेशनलिज्म का ब्रांड ओन करते थे, वहाँ के इनकलाबियों ने भी जो क्रिकेट खेली ना, तो ऐसे क्रिकेट बैट्स, ऐसी क्रिकेट बॉल्स, ऐसे क्रिकेट ग्लव्स और ऐसे क्रिकेट पैड्स के साथ, जिनके ऊपर मैन्युफैक्चरर्स ने इन्हीं के इनकलाबी स्लोगन्स लिखे हुए होते थे। कहानी थोड़ी सुनी सुनी लग रही है ना? खैर, मैं बात कर रही थी उस वक्त की क्रिकेट और इंडियन नेशनलिज्म के मिलाप की। सच्ची बात तो यह है कि ये नेशनलिज्म अभी कच्चा पक्का था, ऊपर से पक्का और अंदर से कच्चा।
यही वजह तो थी कि आए दिहाड़े कम्युनल फसादात होते रहते थे इंडिया में। हिंदू और पारसी एलीट्स में तो टेंशन यहाँ तक बढ़ी कि हिंदू जिमखाना ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि बस बहुत हो गई, असी होर क्रिकेट खेलनी नहीं है ना पारसियों के नाल। लगता है BCCI ने बाइकॉट के अनोखे बहानों वाला आइडिया यहीं से चुराया है। खैर 1905 में हिंदू क्लब्स ने ये ऐलान मान भी लिया और बाइकॉट कर दिया पारसी क्रिकेट का। वैसे एक आध साल में मन मनैया हो गया दोनों कम्युनिटीज़ का और ऐसी पपियाँ जफियाँ हुई कि क्रिकेट की एक नई तारीख रकम हुई क्लूनियल इंडिया में। मैं बात कर रही हूँ बॉम्बे ट्राइंगुलर क्रिकेट टूर्नामेंट की, फीचरिंग हिंदू, पारसी और यूरोपियन टीम्स। मुस्लिम क्रिकेट वो कहाँ थी उस वक्त, बताती हूँ। बल्कि हम एक क्रिकेट हिस्टोरियन से बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये मुस्लिम क्रिकेट कितने खिलौती सी उस वेले। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक तो लभ्या नहीं है, एक्सपर्ट लभ लिया ही है। जी तो नाजरीन, आज हमने अपने शो में दावत दी है क्रिकेट के राजा झलक दिखलाजा साहब को। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। जी सर, झलक दिखलाने का शुक्रिया। ज़रा बताएं हमारे नाजरीन को, देखने वालों को, कि क्लोनियल इंडिया में मुस्लिम क्रिकेट कितना शुरू हुई और क्यों शुरू हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मेरा ख्याल है कि कितों से आपकी मुराद कहाँ से स्टार्ट हुई है, या इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बात यह है कि ब्रिटिश राज में यूं तो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे मुसलमान रहते थे, मेरा मतलब है कि वो मद्रास हो, हैदराबाद हो, बंगाल हो, पंजाब हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि शुमाली हिंद के मुसलमान इन तमाम मुसलमानों में सबसे ज़्यादा मुसलमान थे, वो सबसे बेहतर मुसलमान थे। मतलब वो बेहतर थे भी और वो इस चीज़ को फोर्स या इन्फोर्स भी करना चाहते थे कि वो सबसे बेहतर मुसलमान है। तो इसीलिए तो वो ये कहते थे कि यूपी के मुसलमान दिल्ली और लखनऊ के मुसलमान एक्चुअली वही रिप्रेजेंट करते हैं पूरे इंडिया में जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको। तो इसीलिए उनकी ज़िद थी कि उनकी ज़बान यानी कि उर्दू ज़बान को हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की ज़बान समझा जाए। ये तो मेरा ख़्याल है आपको पता भी चल गया होगा इसके हवाले से, पाकिस्तान में रहते हुए लखपत गेने। वेरी गुड वेरी गुड। लखपत गेने से मेरी मुराद, मेरा मतलब है आपकी मुराद यही है कि आपको अंदाज़ा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। दैट्स वेरी गुड, मैं भी ये चाहता हूँ कि आपको पता लगे। तो मैं बता ये रहा था कि उनकी सिर्फ ये ज़िद नहीं थी कि उनकी ज़बान को पूरे हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की ज़बान समझा जाए, वो ये भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे इस बात के ऊपर कि उनकी तहजीब को यानी कि गंगा जमनी तहजीब को हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के कल्चर्स और तहजीबों से ज़्यादा बड़ी तहजीब समझा जाए। और बेहतरी तो इसी की होगी कि बाकी तमाम मुसलमान भी अडॉप्ट कर लें खुद को गंगा जमनी तहजीब के साथ, तो अच्छा होगा। और तीसरी बात, और उनका ये भी एम्फेसाइज था कि उनका जो पॉलिटिकल स्टैंस है उसको भारत के तमाम मुस्लिम्स का पॉलिटिकल स्टैंस समझा जाए और उन्हीं की लीडरशिप को हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन उस वक्त मौजूद थी इंडिया में उसका लीडर समझा जाए। सर क्रिकेट कितने खलोती सी। जी क्रिकेट की तरफ मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट समझे बगैर आप क्रिकेट को कैसे आप मुस्लिम क्रिकेट को अप्रिशिएट कर सकती हैं। देखिए बात यह है कि ये मैं मानता हूँ कि फैक्ट ये था कि जो ब्रिटिश इरा के बंगाली मुस्लिम्स थे, साउथ इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम्स थे, पंजाबी मुसलमान थे, सिंधी मुसलमान थे और पख्तून मुसलमान थे, बलोच मुसलमान थे, शुमाली हिंद के मुसलमानों की लीडरशिप से मुत्तफिक नहीं थे। इसीलिए तो इन तमाम इलाकों के मुसलमानों का कल्चर और लीडरशिप, हत्ता के इनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो भी इनकी अपनी थी, डिफरेंट थी शुमाली हिंद की पॉलिटिकल पार्टी से। लेकिन शुमाली हिंद के जो मुसलमानों की इलीट थी ना, अब आप बात समझने की कोशिश करें, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। वो जो इलीट थी ना, वो जो अलीगढ़ की इलीट थी जिसके लीडर थे सर सैयद अहमद खान, जी यू आर गेटिंग माई पॉइंट है ना।
तो सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों को ऐसी गिद्दड़ सिंघी सुघाई के बस एक गिद्दड़ सिंघी तो उनकी बड़ी वो फेमस बुक थी ना जिसमें जिसका नाम उन्होंने रखा था असबाब बगावत हिंद, जिसमें उन्होंने बगावत का सारा मलबा बंगाली मुसलमानों पर डाल दिया था। और उनकी दूसरी गिद्दड़ सिंघी थी अशराफिया या जागीरदार मुसलमानों के लिए सेल्फ कॉलोनाइजेशन का पैगाम। आप समझें इस बात को, वो कहते थे अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी लिखो और अंग्रेजी खेल खेलो। ये आई क्रिकेट की बात। जी जी, इसीलिए तो क्रिकेट एलीट मुस्लिम कम्युनिटी की नई आइडेंटिटी बन के उभरी इंडिया के अंदर। इस बात का अंदाजा आप यूं लगा सकती हैं कि जो पहली हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम थी ना जिसमें चार मुसलमान भी शामिल थे, जो 1932 में बनी थी उसमें चार मुस्लिम्स भी शामिल थे, उन चार मुसलमानों में से तीन मुसलमानों का ताल्लुक अलीगढ़ से था। तो अब तो आपको समझ आ गई होगी ना कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि क्रिकेट कैसे कहाँ से और क्यों शुरू हुई। तो मैं अब आपके बड़े अहम सवाल की तरफ आता हूँ कि क्रिकेट स्टार्ट कैसे हुई। नहीं नहीं, क्रिकेट खलौती कितने से। ना ना ना, क्रिकेट स्टार्ट कैसे हुई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जी जनाब, क्रिकेट का राजा झलक दिखला जा आपसे ये अगर सवाल पूछे और साथ में ये कहे कि नो प्राइजेज फॉर गेसिंग, आप ये बताएं कि हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम क्रिकेट क्लब कहाँ बना था। अलीगढ़ जी, ये फरवरी 1878 की बात है। और जब 1883 में कॉलेज का गोरा प्रिंसिपल पहली दफ़ा अलीगढ़ के लौंडों को पंजाब के दौरे पर लेकर जा रहा था ना, तो ख़ुद सर सैयद अहमद ख़ान रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे इन्हें सी ऑफ करने के लिए। और उन्होंने इन स्टूडेंट्स को अपनी दुआओं के साए में रुखसत फरमाया। कहा जाता है कि जब कोई पहली दफ़ा अलीगढ़ कॉलेज का विज़िट करता था तो उसको महसूस होता कि ये कोई क्रिकेट कॉलेज है, मतलब कि हर तरफ क्रिकेट का जुनून था। तुसी आप पे हिसाब ला लो कि अलीगढ़ कॉलेज की क्रिकेट टीम का जो कैप्टन होता था वो स्टूडेंट्स कम्युनिटी का भी कप्तान था। कॉलेज उसको एक अलग कमरा देता था, कप्तान का कमरा, जिसमें कप्तान साहब बैठ जाते थे और स्टूडेंट्स के उमूर सुलझाते। पता इन कप्तानों में से सबसे मशहूर कप्तान कौन गुजरा है? मौलाना शौकत अली, वही जिन्होंने तहरीक खिलाफत चलाई थी गांधी जी के साथ मिलकर। '97-98 में अलीगढ़ वालों ने पारसियों की ताकतवर तरीन क्रिकेट टीम को हराया, महाराजा राजिंदर सिंह की पटियाला 11 को हराया और यूरोपियन टीम्स को हरा कर हिंदुस्तान पर दोबारा से कब्जा कर लिया। सॉरी, जोक्स अपार्ट, अलीगढ़ बॉयज़ अच्छी क्रिकेट खेलते थे और फास्ट बॉलिंग उनकी स्पेशलिटी थी, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स वगैरह। और फिर देखते ही देखते अलीगढ़ स्टाइल ने पूरे हिंदुस्तान में अपने पंजे गाड़ लिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि क्लूनल इंडिया में हिंदुस्तानी इलीट यूथ के लिए अंग्रेज़ी तर्ज के कॉलेज वगैरह खुल रहे थे, तो ऐसे में पंजाब का गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर तो क्रिकेट की नर्सरी साबित हुआ। बल्कि 1901 में अलीगढ़ के लौंडों और लाहौरी बॉयज़ के दरमियान होने वाले क्रिकेट मैच में अलीगढ़ क्रिकेट टीम को मिली करारी हार, धूल चटा दी लाहौरी शाहीनों ने अलीगढ़ के सूरमाओं को। प्रोड्यूसर साहब एनजी बोलिए। और इस मैच के दो हीरोज नूर इलाही और मानक चंद कुछ अरसा के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट भी हुए। अब आपको इन नामों से ही अंदाजा हो गया होगा कि अनलाइक अलीगढ़ क्रिकेट टीम, पंजाब में या लाहौर की क्रिकेट टीमों में हिंदू और मुसलमान क्रिकेटर्स मिक्स होते थे। ये तो खैर अब तक हमने बात की इलीट मुस्लिम, इलीट हिंदू और इलीट पारसी क्रिकेट की, लेकिन तुसी जिन्ने भी इलीट हो जाओ खलके खुदा को बिल्कुल ही आउट नहीं रख सकते। इसकी एक मिसाल पलवानकर ब्रदर्स थे। इस मिसाल को अच्छी तरह से समझाने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ, आ जाए। पलवानकर ब्रदरान जो लोअर कास्ट हिंदू थे, खास तौर पर बालू पलवानकर एक मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर उभरे। बालू
बाबा जी पलवांकर 4 जुलाई 1875 में साउथ इंडिया के एक कस्बे धरवाद में जन्मे। कास्ट के एतबार से इन्हें चमार कहा जाता था। हम इमेजिन कर सकते हैं कि आज यहाँ पाकिस्तान में भी अगर किसी ने किसी को गाली बकनी होती है तो उसे चूड़ा चमार कहा जाता है। तो आज से 150 बरस पहले क्या हाल होता होगा। जब गोरा राज आया तो हिंदुस्तान में नई क्लासों ने भी जन्म लिया। ये लोअर कास्ट चमार या दूसरी निचली जातियों वाले लोग जिन्हें हिंदू अनटचेबल्स यानी कि अछूत मानते थे, इनमें से कुछ के लिए गोरा सरकार की नौकरियां मौजूद थी। बालू खानदान भी इन्हीं लोगों में शामिल था जिन्हें इन्फेंट्री में नौकरी मिल गई। बालू इन्फेंट्री में नौकरी करते घूमते घामते पुणे पहुंच गए, जहां स्कूल में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोरा साहब को क्रिकेट खेलते देखा, फिर क्रिकेट खेलना शुरू किया। इनके करियर का आगाज एक पारसी क्रिकेट क्लब में बतौर ग्राउंड स्टाफ हुआ, जहां इन्हें 1 महीने की नौकरी के 3 रुपए मिलते थे और काम यह था कि बस गेंदें उठा के लानी है। यहां उन्होंने बॉलिंग सीखी और जब इन्हें नोटिस किया गया तो इन्हें पूना के एक मशहूर क्रिकेट क्लब में नौकरी मिल गई। यहां इनका काम गोरे बैट्समैनों को नेट प्रैक्टिस करवाना था ताकि वो स्पिन बॉलिंग से यूज टू हो सके। यहां इनकी तनख्वाह बढ़कर 4 रुपए पर मंथ हो गई और फिर पूना जिमखाना के कप्तान डॉक्टर ट्रॉसेक ने इन्हें चुन लिया। वो इन्हें हर उस बॉल पर 8 आने देते जिस पर वो कप्तान ट्रॉसेक को आउट करते। असूलन तो बालू को पूना के टॉप क्रिकेट क्लब्स में सेलेक्ट कर लिया जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो दलित थे, चमार थे। बालू 1899 में पूना से बंबई आ गए, मगर वो कास्ट बेस्ड रेशल डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ पूना में होती थी वो बंबई में भी जूं की तू रही। एग्जैक्टली वो कहा जाता है ना कि आप कहीं भी चले जाएं, जात वो है जो नहीं जाती, और इस बात का जीता जागता सबूत है पाक इंडिया क्रिकेट, जहां आज़ादी के 75 बरसों के बाद भी दोनों ममालिक इंडिया और पाकिस्तान में सिर्फ एक एक दलित ही अपनी नेशनल टीम्स में जगह बना सका। यहां यूसुफ योहन्ना जो बाद में कन्वर्ट हो गए, और वहां विनोद कॉम्बली जो आज भी रो पड़ते हैं ये बताते हुए कि थ्रू आउट हिज करियर उन्हें दलित होने की वजह से तजहीक का निशाना बनाया जाता रहा। यहाँ मुझे बरसबीले तस्करा एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट का वो आर्टिकल याद आ गया जो उन्होंने इंडियन टीम में ब्राह्मण बर्तरी के हवाले से लिखा था, क्लास एक्ट, जिसमें लिखा गया था कि उस वक्त की इंडियन टीम में 7 ब्राह्मण खिलाड़ी थे, 7 11 में से 7, और पता है ओवरऑल ब्राह्मण टोटल हिंदुस्तानी पॉपुलेशन का कितने परसेंट है? 6%, 6% कुल आबादी का, और नेशनल क्रिकेट टीम में पूरे 7 ब्राह्मण। और जब किसी ने रवि शास्त्री से सवाल किया कि शास्त्री जी कुल आबादी का 6% पर इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम दे विच पूरे 7-7 ब्राह्मण, इसकी क्या वजह है, तो इस पर शास्त्री जी ने जवाब दिया, ओह दिस मस्ट बी अ कोइंसिडेंस, ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि टीम में इतने सारे ब्राह्मण खिलाड़ी हैं, और हाँ ये खिलाड़ी इसलिए पिक नहीं हुए इंडियन टीम में कि ये ब्राह्मण है, बल्कि इन्हें इंडियन टीम में इसलिए पिक किया गया है कि ये हिंदुस्तानी है। तो यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आया कि ये जो इंडिया में 14 प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं अभी तक, इनमें से 8 ब्राह्मण क्यों हैं? इत्तफाक, महज इत्तफाक या हुस्ने इत्तफाक? नहीं जनाब, ये इत्तफाक नहीं बल्कि एक भद्दी रियलिटी है कि थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडियन समाज मींस इलीट
जागीरदार, मुस्लिम इन्वेडर क्लास या अपर कास्ट हिंदूस, ब्राह्मण्स, खस्त्रीज। याद है ना रविंदर जडेजा, ट्विटर के सर, इनकी वो ट्वीट जिसमें उन्होंने फरमाया फॉरएवर राजपूत। इसीलिए तो वो 50-50 मारकर बैट यूं लहराते थे जैसे कोई सूर्यवंशी राजपूत किसी क्षेत्र में अपनी तलवार लहराता था। खैर, कमिंग बैक टू क्लोनियल एरा ऑफ इंडियन क्रिकेट, चलते हैं 1920 में, जब गांधी जी ने कांग्रेस का चार्ज संभाला और चलाई गोरों के खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बस यही टाइम था जब इलीट हिंदुस्तानियों को यह पता चल गया था कि गोरा हिंदुस्तान से सुबह गया या शाम गया। ऐसे में सेल्फ कॉलोनाइज करने वाले इलीट हिंदुओं और मुसलमानों को अचानक से अंग्रेज की गुलामी बड़ी बुरी लगने लग पड़ी और फिर इन क्लासेस ने अपने अपने मुफादात की खातिर अपने अपने नैरेटिव्स बनाना शुरू कर दिए। हिंदू इलीट ने बनाया अखंड भारत का, मेरा भारत महान का, भारत माता की जय हो का, और टेरिटोरियल नेशनलिज्म का ऐसा ब्रांड जिसे आज तक ब्राह्मण ही लीड कर रहे हैं। और ब्लू ब्लडेड मुस्लिम्स ने मुसलमानों का अजीम माजी, पूरी दुनिया पर दोबारा इकतदार, मतलब रिलीजियस नेशनलिज्म का वो नैरेटिव जो तब से लेकर आज तक शुमाली हिंद और अपर पंजाब की ब्लू ब्लडेड मुस्लिम अशराफिया कैश करवा रही है। अच्छा, इन दोनों नैरेटिव्स के बैन बन रहा था एक प्रो इलीट नहीं, प्रो पीपल नैरेटिव, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नैरेटिव, जो दलितों के हकूक की बात कर रहे थे और साफ साफ बता रहे थे कि ये जो मुट्ठी भर इलीट मुस्लिम और हिंदू अशराफिया है, ये नेशनलिज्म के नाम पर पोलराइजेशन को प्रमोट कर रही है। अंबेडकर साहब बता रहे थे कि हिंदुस्तान की अक्सरियत लोअर कास्ट दलित मुसलमानों और दलित हिंदुओं पर मुश्तमिल है और इसी रेजिस्टेंस के बायस अंग्रेज़ों ने दलितों को सेपरेट इलेक्ट्रेट का हक भी दिया 1932 में, जिस पर गांधी जी को तो गश पड़ गए और उन्होंने दलित राइट्स को बिल्कुल इग्नोर मारकर मरण व्रत रख लिया। आप जानते हैं कि गांधी जी के इस सियापे को डील करने के लिए टॉक्स में अंबेडकर साहब के साथ कौन मौजूद था? बालू साहब, बालू पलवांकर, वही बालू जिसे बॉम्बे में हिंदू जिमखाना ने कभी सिलेक्ट ही नहीं किया और अगर किया तो उसे अछूत के स्टेटस पर ही रखा, वही बालू जो क्रिकेट मैच में लंच टाइम के दौरान बाहर बैठा होता और बाकी तमाम टीम अंदर बैठी चाय समोसे उड़ा रही होती, वही बालू जिसके बर्तन तक अलग रखे जाते, वही बालू जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो पटियाला के हिंदू शहजादे रणजी से बेहतर क्रिकेटर थे, लेकिन इंडिया में सबसे प्रेस्टिजियस फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम रणजी ट्रॉफी है, बालू ट्रॉफी नहीं, वही बालू जो देख रहे थे कि बॉम्बे रेजिडेंसी में होने वाले पेंटेगुलर और कॉर्टेंगुलर टूर्नामेंट्स किस तरह से सेल्फ कॉलोनाइजेशन वाले फेज से निकल कर ना टू नेशन थ्योरी वाले फेज में एंटर हो रहे थे। ये जब पारसी, यूरोपियन और हिंदू क्रिकेट क्लब्स के साथ साथ मुस्लिम जिमखाना की एंट्री हुई ना कॉर्टेंगुलर कप में, तो उन दिनों हिंदू और मुस्लिम क्रिकेट क्लब्स के मैचेस को इसी तरह से देखा जाता था जैसे आज हम और आप पाक भारत क्रिकेट टकरा देखते हैं। उन्नीस सौ 1944 में ब्रिटिश राज के दौरान
आखिरी पेंटेगुलर कप हुआ जिसे मुस्लिम्स ने जीत लिया। इस क्रिकेट मैच में इब्राहिम मुसलमानों के हीरो थे जिन्होंने 137 रन पर बैट कैरी किया और मैच ख़त्म होने से 5 मिनट कबल टारगेट अचीव कर लिया। और यूं 4 दिहाइयों तक इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस पेंटेगुलर कप इख्तिताम पजीर हुआ और पीछे छोड़ गया रेसिज्म, नेशनलिज्म, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, कॉलोनियलिज्म और कमर्शियलिज्म की वो दास्तान जो आज तक शक्लें और लहजे बदलकर सुनाई जा रही है, सुनी जा रही है। Shot. Boy, that's changed things. That was right out of the middle of the bat and it's gone sailing into the crowd.